अमेरिकी कंपनियों पर मंदी का असर साफ देखने को मिल रहा है। लगातार छटनी की खबर के बीच अब अमेज़न इंक ने एक और बड़ा फैसला लिया है। खबर है कि अमेज़न कंपनी अगले महीने से भारत में अपना एक बिजनेस बंद करने जा रही है। चलिए जानते हैं कि अमेज़न का ये कौन सा बिजनेस है जो इंडिया में बंद हो रहा है और कंपनी ऐसा क्यों कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेज़न ने भारत में अपने रेस्टोरेंट पार्टनर से कहा है कि कंपनी फूड डिलीवरी सर्विस को बंद करने जा रही है। कंपनी ने यह सर्विस मई 2020 में शुरू की थी। ये ई कॉमर्स कंपनी वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों की छटनी की योजना बना रही है। कंपनी 29 दिसंबर तक ये सर्विस बंद कर देगी, यानी 29 दिसंबर के बाद आप अमेज़न फूड के जरिए कुछ भी नहीं मंगा सकेंगे। ये सेवा बेंगलुरु में शुरू हुई थी। कंपनी ने कहा है कि इस तारीख तक जो भी ऑर्डर मिले आप उन्हें ले सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। कंपनी ने रेस्टोरेंट से ये भी कहा है कि कंपनी अपनी बिजनेस डील पूरी करेगी, अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करेगी। अमेज़न स्टेप बाय स्टेप इस फैसले को लागू करने जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि ये सर्विस आखिर क्यों बंद हो रही है। अमेज़न ने कहा है कि सालाना ऑपरेटिंग रिव्यू प्रोसेस में ये बात सामने आई है कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। बेंगलुरु में 2 साल पहले शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट को जल्दबाजी में बंद नहीं किया जा रहा है और अमेज़न ने यह भी कहा है कि जो भी इससे प्रभावित कर्मचारी होंगे उनकी कंपनी मदद पूरी करेगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि अमेज़न अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी भारत में बंद करने का फैसला कर रही है। कंपनी इसे अगले साल अगस्त में बंद करने का प्लान बना रही है। बता दें कि कोरोना महामारी के बाद कंपनी ने भारत में इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया था। इसके जरिए स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ये बायजूस एन अकेडमी की एक कॉम्पिटिटिव कंपनी बन गई थी। इन दिनों ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की हालत खस्ता है क्योंकि कोविड के बाद लगभग सभी स्कूल, संस्थाएं, कॉलेज ऑफलाइन शुरू हो गए हैं। इसीलिए कंपनियों को घाटा हो रहा है और कंपनी अपनी सर्विसेज को बंद कर रही है। हालांकि फिलहाल अमेज़न का प्लान इंडिया में अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने का भी है। अमेज़न ने कहा है कि कंपनी इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए कमिटेड है। किराना, स्मार्टफोन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और ब्यूटी जैसे वेंचर्स में कंपनी अपना निवेश करना जारी रखेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप गुजरटल्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।